आप ये कहिए, आज की जो वीडियो है ये कुछ हटके है कि यहाँ पे रामायण का अखंड पाठ चल रहा है और वो कई सालों से चल रहा है। 2001 से रामायण का यहाँ पे पाठ चल रहा है कि अखंड जो रामायण का पाठ चल रहा है उसमें ये परेशानियाँ भी देखने को मिल रही हैं। अगर कोई भी समस्या ऐसी आती है तो ऐसा ना हो कि वो पाठ रोकना पड़े। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं जहाँ पे हूँ ये रात्रि में आपको पता नहीं चलेगा मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन मैं कैमरे को मूव करूँगा तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे हूँ। ये देखो आप, ये है हमारा मोतीकुंड। और मैं रात्रि में यहाँ पे क्यों आया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इस तरफ हैं सारे मोतियों के वृक्ष और यहाँ पर भी ये मोती का पेड़ आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे रात्रि में क्यों आया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस टाइम पर ना अभी कोई कुंड का कोई अपडेट है, ना ही कोई मंदिर का कोई वैसा अपडेट है कि हम कोई सेवा का अपडेट आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ हटके है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। सबसे पहले हमारे पास में महाराज जी का कॉल आया और महाराज जी ने हमें कुछ बताया यहाँ के बारे में, मोतीकुंड के बारे में, जिसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं शॉक्ड हो गया था टोटली कि ये कैसे पॉसिबल है। और मोती बिहारी जी के चमत्कार हमने काफ़ी देखे हैं, इनफैक्ट आपने भी कितनी बार वीडियो में देखे हैं। हमने जब भी यहाँ पे कार्य किया मोतीकुंड में, उस समय आपने देखा कि जब जब हमें आश्रय की आवश्यकता हुई तब मोती बिहारी जी के चमत्कार देखेंगे ना आप, तो हमारी कोई सी भी मोतीकुंड निर्माण की वीडियो उठा लीजिए उसमें आपको सूरज देखने को नहीं मिलेगा। कुछ देर के लिए आपको ज़रूर स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो छांव ऐसी हो जाती है कि मोती बिहारी जी के हमें वो साक्षात रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी करंट में कुछ सिचुएशन चल रही है, वो क्या चल रही है मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और वो महाराज जी बताएंगे यहाँ पे क्या कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी अभी हाल ही में क्रिएट हो गई है जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी है। वो परेशानी क्या है वो हम अंदर लेके चलते हैं आपको और महाराज जी से पूछते हैं कि किस तरीके की वो परेशानी है और किन किन चीज़ों की उनको यहाँ पे कैसी अभी व्यवस्था जो है वो मैनेज करनी पड़ रही है। राधे राधे, मैं हूँ इस टाइम पर मोतीकुंड में और आप सभी के साथ में यहाँ की वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये कोई वैसा अपडेट नहीं है जैसे कि हम कोई कुंड की सेवा आपको दिखाते हैं या फिर कोई भंडारे की सेवा होती है, किसी भक्त की कोई सेवा होती है, ये ऐसा कोई अपडेट नहीं है। आज की सेवा जो है या फिर आप ये कहिए आज की जो वीडियो है ये कुछ हटके है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे रामायण का अखंड पाठ चल रहा है और वो कई सालों से चल रहा है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। और वो पाठ के साथ साथ यहाँ पे जितने भी सेवक रहते हैं जो पाठ करते हैं, जो रामायण का पाठ करते हैं, जिनकी सेवा बटी हुई है और भी सेवा चीज़ें हैं और भी कई चीज़ें हैं, ठाकुर जी का बाल भोग है, उनका भोग प्रसादी है, तो ये सारी व्यवस्था जो चलती है आज उसके बारे में मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो में ज़िक्र करूंगा। और मेरे साथ यहाँ के यानी कि मोतीकुंड के मुख्य महाराज जी हैं, महाराज जी श्री नरहरिदास महाराज जी आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारी व्यवस्था चल रही है और ये कितने सालों से रामायण का अखंड पाठ चल रहा है,
इस टाइम पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मोती कुंड का ही प्रांगण है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मोती बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आपने जैसे कि दर्शन किए और यहाँ पे अब हम महाराज जी से पूछते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से सारी व्यवस्था चल रही है। हालांकि अब मोती कुंड में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मोती का कुंड जो है, मोती कुंड वो बन गया है, और भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें ठाकुर जी की कृपा से हो गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप सभी को जानना चाहिए मोती कुंड के बारे में, और रामायण जो यहाँ पे अखंड पाठ चल रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जानते हैं यहाँ पे महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। आज हम मोती कुंड में आए हैं जी। आज कोई सेवा का तो हम अपडेट नहीं दे रहे, जैसे कि कुंड का हो निर्माण या फिर कोई भंडारे की कोई भी सेवा भक्ति। आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो मोती कुंड में हम रामायण का पाठ देख रहे हैं और जितनी भी सेवाएं चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, और यहाँ पे कैसे कैसे आप हर चीज़ चलाते हैं उसके बारे में बताइएगा। मैं सभी भक्तों को मोती बिहारी की तरफ से, मेरी तरफ से राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, परिवार में सुख शांति रहे, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद हमारी तरफ से। रामायण यहाँ अपने अखंड पाठ चल रहा है 2001 से, गुरुदेव के समय से ही। श्री श्री 1008 श्री कमलाकांत दास जी महाराज हमारे जो गुरुदेव थे उनके समय से ये पाठ चालू हो गया था, और अभी भी चल ही रहा है। लगभग 3 साल हो गए, गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया है और पाठ चल ही रहा है। और रसोई की सेवा है, गाय सेवा है, संतों की सेवा है, सभी का आना जाना यहाँ लगा रहता है। लगभग 20-25 मूर्ति हम लोग बने ही रहते हैं हमेशा, और गाय सेवा से लेके सभी सेवाएँ यहाँ होती रहती है। और जी एक बात और पूछना चाहूँगा, यहाँ रोकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि भक्तों को नहीं पता होगा मूर्तियों का अर्थ भी बताते चाहिए। चलिए, मूर्तियों का अर्थ मतलब जैसे संत है, यहाँ सेवक है जो रामायण का पाठ करते हैं जी। अच्छा, रामायण का जो पाठ करते हैं। अभी थोड़ा सा अपने स्थान की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, जो अपने बड़े सेवक थे जो रामायण का पाठ और उसके सेवा का भार उठाते थे, थोड़ा उनकी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। तो हम चाहते हैं आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो अपने रामायण जी का पाठ और यहाँ रसोई की सेवा का जो भार है वो तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग उठाएँगे तो हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। इसमें कोई किसी पे दबाव नहीं है कि आप इतना कीजिए इतना कीजिए, जिससे भी जैसी बने उस श्रद्धा से आप सेवा करेंगे तो थोड़ा मोती बिहारी की ठाकुर जी की सेवा यहाँ अपनी चलते रहेगी। यानी कि जो रामायण का पाठ इतने सालों से चल रहा है जी, उस और वो जो सेवा भक्त ने ली थी जी, उनमें थोड़ी सी परेशानी, हाँ थोड़ा उनका व्यवस्था गड़बड़ हो गई अभी। तो हम चाहते कि पाठ अपना बना रहे, ऐसा ही चलता रहे, तो थोड़ा सभी लोग सामने आके थोड़ा सहयोग करेंगे। वैसे मोहित भाई ने पहले वीडियो बनाई थी तो थोड़ी मुझे सहयोग मिला है काफ़ी लोगों से, पर ये क्या है थोड़ी बड़ी सेवा है। 7 मूर्ति तो ये रामायण में है, ये ग्वारिया है, तो ये लगभग थोड़ी सेवा का वजन ज़्यादा हो जाता है। तो सभी लोग सामने आएंगे तो थोड़ा सा वजन हल्का हो जाएगा हमारे लिए जी। महाराज जी, हम इसके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे, और जैसे कि आपने बताया कि इतने सालों से जो रामायण चल रही है वो चलती रहे, वो रुके ना जी, तो हम भी ये चाहेंगे कि जो भक्त यहाँ पे रामायण का आनंद लेते हैं आके, और जो हमसे आप सभी बोलते हैं जी। तो और महाराज जी बात पूछना चाहेंगे, रसोई में क्या परेशानी आ रही है? रसोई में जैसे दाल है, चावल है, घी है, तेल है, आटा तो चलो मोती बिहारी के खेत का हो जाता है गेहूँ, तो आटे की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सब्जी है, गैस है, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बाल भोग का सामान है, ये सारी चीज़ें रसोई में अपनी यूज होती है ठाकुर जी के लिए। तो इनकी मर्जी कोई छोटी छोटी भी अगर सेवा लेना चाहे, कोई छोटी छोटी भी देना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना किसी से कोई दबाव नहीं कि हमें इतना चाहिए कि इतना चाहिए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 1 किलो से ले कर आधे किलो से ले कर कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसा श्रद्धा भाव हो वो सेवा हमें दे सकते हैं। बिल्कुल, आज ये भी जानकर अच्छा लगा महाराज जी, जैसे कि आपने बताया रामायण के बारे में कि वो सेवा भक्त के थ्रू थी और वो उनमें थोड़ी सी भी परेशानी है। हाँ परेशानी है, अभी 1-2 महीने का शायद हो सके उनको समय लगे या ज़्यादा भी लग सकता है, बता नहीं सकते उसको अभी। बिल्कुल, इसके लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से महाराज जी के ये वीडियो को हम सभी के साथ शेयर करें जी, और कोई ना कोई भक्त ठाकुर जी मोती बिहारी जी कृपा करें, राम जी कृपा करें कि सामने आए और इस सेवा को वो ले और इसको पूर्ण कराए जी, ताकि ये बीच में ये सेवा अपनी रुके नहीं, अखंड पाठ अपना चलता है। बिल्कुल,
महाराज जी, एक बार आप हमें वो रामायण के भी दर्शन कराइए। रामायण के दर्शन कराते जी, हैं जो यहाँ पे अखंड चल रही है। ये मूर्ति बिहारी आप दर्शन कर रहे होंगे सभी मूर्ति जी, और ये अपना अखंड पाठ चल रहा है। ये अखंड ज्योति भी है, 24 घंटा ये अखंड ज्योति रामायण चलती रहती है, चलती रहती है जी। तो महाराज जी, ये जो रामायण का पाठ हम देख रहे हैं, ये कितने साल हो गए आज इसको? लगभग 2001 से चालू है और अभी 24 चल रहा है, लगभग 24 साल हो गए। 24 अखंड ज्योत भी चली रही है और अखंड पाठ भी चल रहा है। अखंड पाठ भी चल रहा है और ये जिसे कहते हैं, हम भी ये चाहेंगे कि ये सेवा ना रुके जी। और इतने साल से जब यहाँ पे अखंड रामायण चल रही है, और कितना समय हो गया ये आपको, मतलब वो सेवा नहीं कर रहे हैं? हाँ, लगभग इनको 2 महीने होने जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने हो गए। तो महाराज जी, इन 2 महीने में फिर आप कैसे कर रहे हैं आप? अभी ऐसे ही चल रहा है, जैसे आप लोगों के द्वारा कोई भक्त जुड़े, थोड़ी थोड़ी सेवा आ रही है, तो हम लोग इधर उधर से करके व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं थोड़ा और सहयोग मिले तो हमें अच्छा होगा। बिल्कुल, और हम कोशिश ये करेंगे ज़रूर कि हम ये सेवा को पूर्ण कराएं। और हम सभी, मैं आपसे कहना भी ये चाहूँगा कि हम सभी इस सेवा के लिए आगे आए। जैसे कि मैं महाराज जी ने बताया कि ये 2001 से रामायण का यहाँ पे पाठ चल रहा है, और अभी की या कुछ समय ऐसा भी आता है जब भगवान भी परीक्षाएं लेते हैं, तो इस समय वो जो सेवक थे उनके ऊपर थोड़ा सा परेशानी का भार आया है, तो अभी वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी मैं ये कहूँगा कि ये सेवा ना रुके, जो अखंड रामायण यहाँ पे पाठ चल रही है, वो कथा, वो रामायण का पाठ ना रुके। यहाँ पे जो भोजन आदि प्रसादी है, या फिर ठाकुर जी का बाल भोग है, या जो भी सेवा है, वो सेवा आप में से अगर कोई भक्त लेना चाहे थोड़े थोड़े रूप में ही, तो आप वो सेवा ज़रूर कीजिएगा। महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट महाराज जी को संपर्क कर सकते हैं। जो सेवा करना चाहें उसके बारे में आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, और अगर आप कैसी भी रूप में सेवा करना चाहें तो आप महाराज जी को यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मैं ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की डिटेल शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उचित होगा कि आप डायरेक्ट महाराज जी को ही सेवा दें। अभी फ़िलहाल में जो परेशानी है, जैसे कि हमें महाराज जी ने बताया कि अखंड जो रामायण का पाठ चल रहा है, उसमें ये परेशानी अभी देखने को मिल रही है कि ठाकुर जी कृपा बनाए रखे कि वो चलता रहे, और अगर कोई भी समस्या ऐसी आती है तो ऐसा ना हो कि वो पाठ रोकना पड़े। तो आप सभी से निवेदन है कि हम सभी मिलके, जितने भी हम हम सभी हिंदू हैं और भगवान की सेवा में हम आगे आएँ, और रामायण के लिए आप सभी सेवा ज़रूर करें, ताकि रामायण का पाठ ना रुके मोतीकुंड में। महाराज जी, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे अपनी डिटेल नहीं डालेंगे, आप ही का नंबर डालेंगे, और अभी सभी भक्तों को दिख भी रहा होगा आपका नंबर, जिससे आपको डायरेक्ट वो संपर्क कर सके। और किसी भी रूप में अगर कोई सेवा करता है तो आप उनका मार्गदर्शन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तरफ से उनकी सेवा स्वीकार है। बिल्कुल, और ठाकुर जी उनके लिए ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। बिल्कुल महाराज जी, और बाकी हम भविष्य में, आप जब भी हमें बुलाएंगे, हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे आपकी सेवा में। जैसे आज की परेशानी, जैसे कि ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया और हम यहाँ पे आ गए, और आगे भी कभी कोई ऐसी समस्या लगेगी आप हमें ज़रूर बताना, वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। राधे 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 राधे। तो जैसे कि आपने देखा, महाराज जी ने बताया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कभी भी आता हूँ तो एक जो यहाँ का ऑरा है वो एक बहुत अलग ऑरा है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे आके दर्शन करके। और जब महाराज जी से मेरी वार्तालाप हुई और मुझे पता चला इसके बारे में कि अब ऐसी ऐसी समस्या आ रही है मोतीकुंड में, तो मैंने उनसे यही कहा कि हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि सभी भक्तों तक ये मैसेज दें कि हमारे ऐसे स्थल पे
जहाँ भगवान ने मोती बोए हैं वहाँ पे इतने सालों से जो रामायण का अखंड पाठ चल रहा है अब उसकी भी परिस्थिति ऐसी आ रही है कि वो बंद ना हो। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये वीडियो के थ्रू आप सभी को ये सेवा देने की मोती बिहारी जी को कृपा कर रहे हैं कि आप अपनी सेवा यहाँ पे दें और कुछ ना कुछ रूप में कैसे भी करके आप आगे आएँ और रामायण की जो सेवा चल रही है ना वो रुके ना यहाँ पे। और जो यहाँ पे सेवक है, जो पाठक है, जो जितने भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, यानी कि जो मोती बिहारी जी का यहाँ पे सेवा में, नित्य सेवा में है, तो उनके लिए भी किसी भी रूप में अगर आप सेवा करना चाहें तो आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नंबर आपको महाराज जी का स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके सेवा कर सकते हैं। आनंद आया बहुत यहाँ पे दर्शन करके, और जो महाराज जी ने हमें सेवा बताई है वो सेवा छोटे रूप में भी है। अगर आप करना चाहें, जितना भी आपका सामर्थ्य है, अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं कि एक महीने का, दो महीने का, ये पूरा सेवा का जो वो आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। संकल्प कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जैसे कि 6 महीने या साल का भी आप ले सकते हैं और ये सेवा को पूर्ण रूप से आप ले सकते हैं। महाराज जी ने हमें जो एक्सपेंस बताया है, यानी कि जो सेवा का वो बताया है कि 30,000 जो यहाँ पे सेवा में अगर आप चाहें तो रामायण के लिए दे सकते हैं, भोग प्रसादी बाल भोग ठाकुर जी के लिए यहाँ पे तो वो भी आप सेवा कर सकते हैं, राशन सेवा वो भी आप चाहे महाराज जी को कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि किस किस चीज़ की यहाँ पे उनको आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी तक ये मैसेज जाए कि ऐसे हमारे स्थलों में ऐसी परिस्थिति ना बने और सभी आगे आए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही सेवा ज़रूर करें। ये है हमारे मोती बिहारी जी प्राचीन, जो यहाँ पे भगवान ने मोती बोए और आज जो आप सेवा यहाँ पे देख रहे हैं ये भी भक्तों के यहाँ पे द्वारा हुई है और ये कृपा हुई है मोती बिहारी जी की। यहाँ पे संपूर्ण धीरे धीरे करके ही सही यहाँ पे सेवा भक्तों की पहुँच रही है। तो आपसे निवेदन है हमारा कि यहाँ पे आप भी अपनी सेवा लगाएं, किसी भी रूप में लगाएं, कैसे भी करके लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट, जिसमें हम अपनी सेवाओं के अपडेट देते हैं आपको और मोहित व्लॉग्स पे हमारे दर्शन मिलते हैं आपको सभी स्थलों के। तो आगे ब्रजधाम के वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसे ही आते रहेंगे। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती बिहारी जी के यहाँ से राधे राधे।